हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे IFPCS प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख रहे हैं और उनके आंसर्स भी विस्तार से। तो इस तरह के हम लोग अभी तक 57 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 58 टेस्ट है, ठीक है, 58वां टेस्ट है। तो चलिए 58वां टेस्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नज सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अवधारणा व्यक्तियों या फिर समूहों के व्यवहार तथा उनके निर्णय को प्रभावित करने हेतु सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और अप्रत्यक्ष सुझावों के बारे में बताती है। बिल्कुल सही है। रिचर्ड थैलर को व्यवहारिक अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों आपके कथन सही हैं। इस पॉइंट को हर समय आप लोग पढ़ लिया करिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ठीक है। नज व्यवहारिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और व्यवहारिक अर्थशास्त्र की एक अवधारणा है। यह समूहों या व्यक्तियों के व्यवहार और उनके निर्णय लेने के तौर तरीकों में सकारात्मक परिवर्तन हेतु तरीकों की विवेचना करती है, जो आपका नजीक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा, कानून या फिर परिवर्तन जैसी अन्य तरीके से अलग है। जो आपका नज सिद्धांत है, इसके जनक रिचर्ड थैलर को वर्ष 2017 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 2017 में, ठीक। तो इसमें आपका ना तो एक गलत था और ना ही दो, दोनों कथन सही थे। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बॉनी फार्मोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बॉनी फार्मोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 100 से कम नियोजित कर्मचारी वाली 10 वर्ष से अधिक पुरानी फार्म्स को बॉनी फार्मोव के रूप में पंजीकृत किया जाता है, सही है। संगठित विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों में बॉनी फार्मों का हिस्सा आधे से भी अधिक है, ये भी आपका सही है। रोजगार और उत्पादकता के मामले में अर्थव्यवस्था में इन फार्म्स का योगदान सर्वाधिक है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका तीसरा कथन गलत है, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर पूछता कि सही है तो इसमें एक और दो था सही, लेकिन यहाँ पूछा है सही नहीं है, तो इसमें आपका तीसरा कथन सही नहीं है। आखिर सही क्या होगा तीसरे में? जिन फार्मों में समय के साथ वृद्धि करने की क्षमता होती है, उनका अर्थव्यवस्था में रोजगार और उत्पादकता के मामले में सबसे ज़्यादा योगदान होता है। इसके विपरीत पुराने होने के बावजूद बॉनी फार्म छोटी बनी रहती है, अर्थव्यवस्था में रोजगार एवं उत्पादकता में सबसे कम योगदान देती है। तो इसमें आपका केवल तीसरा कथन गलत था, बाकी एक और दो सही थे। क्वेश्चन है आपका तीसरा, आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वर्ष 2011-12 में भारत की आर्थिक नीति अनिश्चितता सर्वाधिक थी, सही है। निम्न आर्थिक नीति अनिश्चितता की अर्थव्यवस्था में लचीलेपन का प्रतीक है, सही है। GST लागू होने के बाद भारत की EPU यानी कि आर्थिक नीति अनिश्चितता में वृद्धि हुई है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपका तीनों कथन सही है। याद रखना GST आपका 2017 में जुलाई में हुआ था लागू, तो इसमें आपके तीनों कथन सही थे। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चार के बारे में, प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
पिति महिला पर लगभग 2.1 2.1 बच्चों की कुल प्रजनन दर को प्रजनन का पिति स्थापन स्तर कहा जाता है। सही है। दक्षिणी राज्यों पंजाब हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की कुल प्रजनन दर पहले से ही पिति स्थापन स्तर से काफ़ी नीचे है। ये भी सही है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आवश्यक पिति स्थापन स्तर दर प्रजनन दर 2.1 यानी कि 2.1 के सामान्य मानदंडों से अधिक है। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके तीनों कथन सही है। क्या है? तीनों कथन सही है। यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 5। गिनी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गिनी सूचकांक आय या फिर संपदा के वितरण का एक आलेखात्मक निरूपण है। बिल्कुल गलत है। गिनी सूचकांक का मूल्य जितना अधिक होगा आय समानता का स्तर उतना ही अधिक होगा। ये भी आपका गलत है। भारत के लिए गिनी सूचकांक का मूल नियमित श्रमिकों के बीच बढ़ गया जबकि अनौपचारिक श्रमिकों के बीच घट गया। ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका केवल तीसरा कथन सही है, बाकी रही दूसरा और पहला गलत है। गिनी सूचकांक या गुणांक समाज में आय एवं संपत्ति के वितरण को मापन का एक सरल उपकरण है। आपका गिनी सूचकांक आय असमानता मापन हेतु सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है जो देश के लिए 0 और 1 के मध्य एकल संख्या में संपूर्ण आय वितरण को दर्शाता है जबकि आय या संपदा के वितरण का आलेखात्मक निरूपण लॉरेंज वक्र के माध्यम से किया जाता है। आय या संपदा के वितरण का आलेखात्मक निरूपण आपका लॉरेंज वक्र के माध्यम से किया जाता है। एक उच्च गिनी सूचकांक अधिक असमानता को इंगित करता है जिसमें उच्च आय वाले व्यक्तियों की संख्या कुल आय का अधिक प्रतिशत प्राप्त करती है। ठीक है। वर्ष 1993 और वर्ष 2011 के मध्य भारत में औसत वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हुई थी। तो इसमें केवल आपका तीसरा कथन सही था, यानी कि सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 6वां। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कॉफी बोर्ड एक सांविधिक संगठन है और यह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। सही है। कॉफ़ी उत्पादकों के लिए बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने भारत में ब्लॉकचेन आधारित कॉफ़ी ई मार्केट प्लेस शुरू किया है। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6वें में आपके दोनों कथन सही है। जो आपकी कॉफ़ी बोर्ड है यह कॉफ़ी अधिनियम 1942 के तहत गठित एक सांविधिक संगठन है। बोर्ड में अध्यक्ष सहित 33 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी होता है और यह आपका बेंगलुरु से कार्य करता है। याद रखिए सांविधिक का मतलब होता है किसी अधिनियम द्वारा जोड़ा जाना और संवैधानिक का मतलब होता है किसी अनुच्छेद में के तहत जोड़ा जाना। ठीक है। अगर किसी अनुच्छेद के तहत किसी का वर्णन है तो वो सांविधिक है। सांविधिक है वो सांविधिक है संवैधानिक और सांविधिक है यानी कि किसी अधिनियम द्वारा जोड़ा जाना। संवैधानिक अनुच्छेद के तहत जोड़ा जाता है, सांविधिक अधिनियम की। ठीक है, इतना रखिए। तो इसमें आपके सी ऑप्शन सही था, दोनों कथन सही थे। क्वेश्चन है आपका 7वां। क्वेश्चन है 7, मनरेगा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मनरेगा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह वेतन आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। सही है। इस योजना में मांगने पर काम उपलब्ध कराने में विफल होने और किए गए कार्य की मजदूरी के भुगतान में देरी या दोनों मामलों में भत्ते मुआवजे दोनों का प्रावधान है। सही है। केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरण
प्रत्येक राज्य में रोजगार की मांग पर आधारित है, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके तीनों कथन सही हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में 7 सितंबर 2005 को ये अधिसूचित किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एक ऐसा मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अकुशल व शारीरिक श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की मजदूरी रोजगार की गारंटी देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है 8, क्या है? पेरिस समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? पेरिस समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है आपका काटोविस क्लाइमेट पैकेज जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लिए कार्यान्वयन दिशा निर्देशों पर प्रकाश डालता है, सही है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता का 40% भाग गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है, सही है। यह समझौता सामान्य किंतु विभेदीकृत जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका तीनों कथन आपके सही है, ठीक है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन होगा 8 में। क्वेश्चन है 9, क्या है? एमएसएमई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों में से एक है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ाने की क्षमता है, ये आपका गलत है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण से एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलता है, ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका 1 और 3 कथन सही है, दूसरा गलत है। क्या है? दूसरा गलत है। एमएसएमई क्षेत्र 50 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने, क्षेत्रीय विषमताओं को नियंत्रित करने और धन के वितरण को संतुलित करने में है, ठीक है। तो इसमें आपका 1 और 3 कथन सही था, यानी कि ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 10, क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है, बिल्कुल गलत है। इसने भूमि जियो पोर्टल लॉन्च किया है गया था, ये आपका सही है। यह मिट्टी में सूक्ष्म पोषक स्थिति के डिजिटल मानचित्र तैयार करता है, ये भी आपका सही है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसमें 1 कथन गलत है, बाकी आपके 2 और 3 सही हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो कृषि मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों में की श्रृंखला में से एक है, तो ये आपका कृषि मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। भारत सरकार ने वर्ष 1956 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नागपुर में अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसमें आपका केवल 2 और 3 कथन सही था। अगला क्वेश्चन है हमारा 11, क्या है?
भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक गैर लाभकारी संगठन है, सही है। यह समकक्ष इंटरनेट सर्विस प्रदाता सदस्यों के बीच घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, यह आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपके दोनों कथन सही है, क्या है, दोनों कथन सही है, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। इसे 19 जून 2003 में पंजीकृत किया गया था, ठीक है। तो इसमें आपके दोनों कथन सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, गलत है, क्या है, गलत है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत भारतीय सांख्यिकी संस्थान राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, ये आपका सही है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय MOSPI के अधीन है, ये भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका केवल दूसरा कथन सही होगा, बाकी आपका 1 और 3 गलत है। जो आपका सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, क्या है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, और जो आपका रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, किसके, होम मिनिस्ट्री के, गृह मंत्रालय के। तो इसमें केवल आपका दूसरा कथन सही था, केवल 2। क्वेश्चन है हमारा 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा मासिक रूप से विकसित किया जाता है, सही है। IIP में विनिर्माण क्षेत्र का भारांश सबसे अधिक है, ये भी आपका सही है, क्या है, ये भी आपका सही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा मासिक रूप से IIP के अनुमान विकसित किए जाते हैं। वर्ष 2011-12 की श्रृंखला के आधार पर संशोधन के बाद IIP के 3 क्षेत्र हैं, आपका खनन, विनिर्माण और विद्युत। 13 में आपका दोनों कथन सही थे। क्वेश्चन है हमारा 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सांख्यिकी मामलों में नीतियों, प्राथमिकताओं और मानकों को विकसित करने की अधिदेश के साथ स्थापित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक संवैधानिक निकाय है, गलत है। NSC का गठन रंगराजन आयोग की सिफारिशों पर किया गया था, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका केवल 2 कथन सही है, पहला इसमें गलत है, क्योंकि भारत ने 1 जून 2005 को एक संकल्प के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC की स्थापना की थी। NSC का गठन 12 जुलाई 2006 से सांख्यिकीय मामलों में नीतियों, प्राथमिकताओं और मानकों को विकसित करने हेतु अधिदेश के साथ किया गया था। जो NSC है इसमें 1 अध्यक्ष होता है और 4 अतिरिक्त सदस्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास विशिष्ट सांख्यिकी क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञता एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। NSC की स्थापना 2001 में भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा हेतु गठित रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में केवल आपका दूसरा कथन सही था, पहला गलत था। बात करते हैं 15 क्वेश्चन, फेम इंडिया सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, सही है। यह योजना हाइड्रोकार्बन आधारित ईंधनों पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायता करेगी, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपके दोनों कथन सही होंगे, क्या होंगे, दोनों कथन सही होंगे।
फैम इंडिया ने कि भारत में हाइब्रिड एवं विद्युत वाहनों को त्वरित ढंग से अपनाना एवं विनिर्माण योजना देश में इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड वाहनों को प्रोत्साहन करने का पहल है। फैम इंडिया वर्तमान में जो आपका सेकंड योजना है, फैम इंडिया एक का एक विस्तारित संस्करण है जिसे 1 अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपके दोनों कथन सही थे, सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 16। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में प्रयुक्त लाइट हाउस इफेक्ट शब्द किसको संदर्भित करता है? तो यह अनौपचारिक क्षेत्र में वेतन वृद्धि और न्यूनतम वेतन के बीच संबंध को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 17। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा MSME क्षेत्र में बौनेपन में योगदान देता है? छोटी फार्मों को श्रम कानूनों में छूट, छोटी कंपनियों की कम उत्पादकता और रोजगार सृजन क्षमता। सही है, इस क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा MSMEs को प्राप्त प्रोत्साहन। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपके तीनों कथन सही हैं। क्या होगा आपका डी ऑप्शन सही हुआ इसमें। क्वेश्चन है हमारा 18। निम्नलिखित को रोजगार लोच के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रबर और प्लास्टिक उत्पाद, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पाद, फिर होगा आपका परिवहन उपकरण मशीनरी, फिर होगा आपका बिजली गैस और पानी की आपूर्ति 5, और फिर होगा आपका लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, यानी कि 2। 1, 3, 4, 5, 2 1, 3, 4, 5, 2 ठीक है, तो इसमें होगा आपका जो आपका रोजगार लॉच आर्थिक विकास में प्रतिशत परिवर्तन के सापेक्ष रोजगार में प्रतिशत परिवर्तित दर्शाता है। रोजगार लॉच किसी अर्थव्यवस्था की अपनी वृद्धि विकास प्रक्रिया के प्रतिशत के अनुसार अपनी अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की क्षमता को इंगित करता है या क्षमता को बताता है। तो इसमें आपका क्या था, 1, 3, 4, 5, 2 यानी कि ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है आपका 19। समागम वेदिका पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तेलंगाना सरकार की पहल है। सही है, यह पहल किसी व्यक्ति के नाम और पते जैसे एक सामान्य पहचानकर्ता का उपयोग करते हुए मौजूदा सरकारी डेटा सेटों से को जोड़ती है। यह भी आपका सही है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपके दोनों कथन सही है। तेलंगाना सरकार ने विभिन्न सरकारी सेवाओं हेतु नागरिक विवरणों को ट्रैक करने के लिए अपना सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसे समग्र वेदिका पहल के नाम से जाना जाता है। समग्र वेदिका पहल 2017 में बनाई गई। यह राज्य को लगभग 25 विभागों में से नागरिक डेटा को सत्यापित करने या जांचने की अनुमति देता है। तो इसमें आपका दोनों कथन सही था, 19 में आपका सी था। क्वेश्चन है हमारा 20। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चित्त आदंगल शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? तमिलनाडु में भूमि से संबंधित रिकॉर्ड होते हैं। चित्त आदंगल तालुक कार्यालय में एक दस्तावेज है जिसमें विवरण संख्या की सर्वेक्षण संख्या, वर्तमान स्वामी, पट्टा संख्या आदि शामिल होती है इसमें। ठीक है, आदंगल रिकॉर्ड में किसी विशेष गांव के प्रत्येक भूखंड की सर्वेक्षण संख्या, किराएदार, किराएदारी की अवधि, क्षेत्र का विस्तार, उगाई गई फसल, उसकी स्थिति का वर्णन या विवरण किया जाता है इसमें। तो चलिए, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग और भी आगे देखेंगे।